भाई का करियर आईफोन 13 में ही चलेगा। आईफोन 12 की बात कर लेते हैं फिर। क्या आईफोन 12 बिग बिलियन डे सेल में लेने के लिए बेस्ट आईफोन है? क्या जो आईफोन 2020 में लॉन्च हुआ था वो आज के आईफोन 13 और 14 से डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और कैमरा में टक्कर दे पाएगा? सबसे पहले आते हैं कैमरास पे। तो इसके कैमरा सीधे सीधे हैं, टेढ़े नहीं है, क्योंकि आईफोन 12 से 13 में कैमरा के लेंस का साइज काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। इसमें भी दो ही कैमरे हैं, एक मेन लेंस और एक अल्ट्रा वाइड, दोनों 12-12 मेगापिक्सल के, और दोनों कैमरास काफी अच्छे हैं। iPhone के कैमरास हैं, अच्छे तो होंगे ही। ए चल चल कुछ भी मत बोल। अभी अगर आप लेने जाओ तो iPhone 12 का 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 52,000 का, और आज भी 50,000 से 55,000 की रेंज में अगर आप देखो ना तो इसका कैमरा वन ऑफ द बेस्ट है। फ्रंट कैमरा भी इसका काफी अच्छा है, क्योंकि एप्पल वाले फ्रंट कैमरा पे ज्यादा ध्यान तो देते हैं नहीं। इसकी सेल्फीज को अगर आप iPhone 14 से ली हुई सेल्फी से कंपेयर करो ना तो 19-20 का फर्क आएगा। तो कैमरा में तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन वाली बात है बैटरी लाइफ। iPhone 12 की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप Instagram और बाकी सोशल मीडिया ऐप चलाते रहते हो ना तो दिन खत्म होने से पहले इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, और अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हो ना तो एक दिन के अंदर 2 बार चार्ज करना पड़ जाएगा। और iPhones की बैटरी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि ये लोग डब्बे में ना चार्जर नहीं देते फोन के साथ। तो अगर आपको iPhone लेने के बाद अलग से चार्जर भी लेना है ना तो उसके 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। क्या चार्जर? 4,000 रुपए एक्स्ट्रा तब लगेंगे जब आप अडैप्टर और केबल दोनों के दोनों एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से लो। हाँ, लेकिन क्रोमा और विजय सेल्स ऐसे जो स्टोर्स होते हैं ना, इनपे अडैप्टर और केबल दोनों पे ही थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन ऐसे ही किसी भी स्टोर से जाके मत ले लेना भाई आईफोन का चार्जर, क्योंकि एप्पल के फेक चार्जर्स ना मार्केट में भरे पड़े हैं। इतनी आसानी से तो आजकल मार्केट में मोमोज नहीं मिलते भाई, जितनी आसानी से एप्पल के फेक चार्जर मिल जाते हैं। अगर नकली चार्जर से अपना फोन चार्ज करोगे ना तो पहले चार्जर गर्म होगा, फिर आपका आईफोन गर्म होगा। गर्मी बहुत हो रही है भाई आजकल। पर एक बहुत बढ़िया खबर है भाई आप सबके लिए कि जो आने वाली बिग बिलियन डे सेल है उसके अंदर iPhone 12 का बेस वेरिएंट 33,000 से 34,000 के अराउंड का मिलेगा। और इस बार iPhone 12 लेने के लिए कंपटीशन भी काफी ज्यादा कम होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग iPhone 13 और 14 में इंटरेस्टेड है। पर अब बात आती है परफॉर्मेंस की। जो iPhone 2020 में लॉन्च हुआ था ना वो आजकल के फोन्स को भी पूरी पूरी टक्कर देता है परफॉर्मेंस में, फिर चाहे वो आजकल के 50,000-55,000 के एंड्रॉइड फोन्स हो, चाहे iPhone 13 और 14 भी। आपको और किसी चीज से दिक्कत हो ना हो iPhone 12 में, परफॉर्मेंस इसकी दिल जीत लेगी, चाहे वो फटाफट एप्स में स्विच करना हो या हैवी से हैवी गेम्स चलाना। हाँ, प्रोसेसर 2 से 3 साल पुराना हो चुका है, और आजकल के अगर आईफोन से कंपेयर करें ना तो आईफोन 12 थोड़ा सा पतला भी है, तो गर्म थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ये, जिससे बैटरी लाइफ पे और भी ज्यादा फर्क पड़ता है। डिस्प्ले में इसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी। अच्छाइयों से शुरू तो हम करेंगे नहीं, तो सबसे पहली बुरी बात है इसके डिस्प्ले के बारे में, इसकी ब्राइटनेस। मेरे पास जो आईफोन 13 है जिससे अभी वीडियो शूट हो रही है, तो आईफोन 12 की जो ब्राइटनेस है ना वो आईफोन 13 से काफी ज्यादा कम है। और कभी कभी तो मुझे भी दिक्कत होती है तेज धूप के नीचे अपना आईफोन 13 यूज करने में, क्योंकि आईफोन 13 की मैक्सिमम ब्राइटनेस अच्छी है, लेकिन कभी कभार जब बहुत ज्यादा तेज धूप हो जाती है तब थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। पर आईफोन 12 की ब्राइटनेस तो और भी ज्यादा कम है, तो नॉर्मल दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप इस फोन को घर से बाहर यूज करो चाहे कंबल में घुस के। लेकिन तेज धूप में आईफोन 12 चलाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी तो सब कुछ एकदम चंगा है आईफोन 12 में। रेजोल्यूशन भी अच्छा है, तो डिटेल्स भी एकदम बढ़िया आती है। नॉच भी इसकी पतली और लंबी है, ना कि आईफोन 13 और 14 की तरह छोटी और मोटी। बस रिफ्रेश रेट इसका 60Hz है, इसका दुख आज भी है, जो होपफुली आईफोन 15 सीरीज के अंदर ठीक हो जाएगा। वैसे 12 सितंबर को एप्पल इवेंट एकदम शेड्यूल हो चुका है भाई, नए आईफोन आने वाले हैं, कुर्सी की पट्टियां बांध लो। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में एप्पल का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, हर आईफोन को एटलीस्ट 5 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो मिलती ही मिलती है। अब आईफोन 12 2020 में लॉन्च हुआ था, तो 2025 हो जाएगा, तो कायदे से देखा जाए तो आईफोन 12 को अभी 2 और साल की अपडेट्स मिलने वाली हैं, जो वैसे तो थोड़ी कम है। अगर आप आज फोन लेने जाओ सिर्फ 2 साल की अपडेट्स मिलेंगी, लेकिन 5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत बढ़िया है। बाकी सच बताओ तो हर साल के iOS पे अपडेट करने की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ टाइम टू टाइम सिक्योरिटी पैचेस अपने डाउनलोड कर लेने चाहिए, ताकि कोई हैकर तुम्हारे फोन में घुस के तुम्हारी और तुम्हारी बंदी की चैटें ना पढ़ ले। सॉरी, तुम तो सिंगल हो। तो आईफोन 12 आज की डेट में लेने के लिए बहुत बड़ी ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आने वाली बिग बिलियन डे सेल के अंदर जो सितंबर के लास्ट वीक में होती है, उसमें आईफोन 12 अराउंड 33,000-34,000 का मिलेगा, तो उस प्राइस रेंज में तो बहुत बढ़िया है। सीरियसली कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है इसका 30,000 के अंदर। बाकी अगर आपको जानना है कि आईफोन 13 लेना चाहिए या नहीं, तो ये वाली वीडियो देख लो।